हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 27 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो डालूँ वो आपको तभी मिल जाए। बच्चों तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो टॉपिक है इसमें लाइट फॉर्म शेडो। जो लाइट होती है उसकी वजह से हमारी क्या है, शेडो बनती है। शेडो का मतलब क्या है, परछाई बनती है। तो देखते हैं इसमें एक पैराग्राफ। लाइट ए टॉर्च इन ए डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आप क्या करेंगे, एक डार्क रूम में एक टॉर्च को जलाएंगे और उसके सामने अपना हाथ रख देंगे। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म ऑन द वॉल। आप देखेंगे कि जो आपके हाथ की जो शेडो है वो एक सामने वाली दीवार पर बन गई है, अपोजिट टू द टॉर्च, जो कि टॉर्च की अपोजिट साइड पर होगी। यू कैन नॉट सी द सीधा शेडो इन ए डार्क। आप कभी भी अंधेरे में अपनी शेडो नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। आपको कोई ना कोई लाइट का एक सोर्स चाहिए, तभी आपकी शेडो बन पाती है, क्योंकि अंधेरे में शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए सोर्स ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई जो लाइट होती है उसका जो रास्ता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर उसको रोक दे या ब्लॉक कर दे, तो रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पीछे वाला जो रीज़न होता है वो क्या रह जाता है, डार्क ही रह जाएगा। एज नो लाइट रिचिज द रीजन, क्योंकि वहाँ तक कोई लाइट पास नहीं हुई है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट उसने क्या किया, उस लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो उसके पीछे वाला रीज़न क्या है बच्चों, वो डार्क ही रह जाएगा। दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसका और ये क्यों ब्लॉक होगी, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा सीधे रास्ते पर ही जाती है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट पास हो रही, लाइट आ रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने इसको लाइट को पास आने नहीं दिया, इसमें से पास होने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डार्क ही रहेगा, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पास करता है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से आके इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट जाएगी और स्ट्रेट में इसने जाने नहीं दिया, तो पीछे वाला एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, डार्क रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिखा दिया, जैसे एक लड़की है, इसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, सामने अपना इसका हाथ है, तो इसकी एक शेडो यहाँ पे बन जाएगी। तो शेडो क्या होती है, शेडो इज फॉर्म व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शेडो कब बनती है, जब कोई लाइट का जो लाइट होती है उसको किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक कर लिया जाता है, तभी हमारी शेडो बनती है। द शेप साइज एंड नेचर ऑफ ए शेडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो हमारी शेडो बनती है उसका क्या साइज होगा, क्या शेप होगी और क्या नेचर होगा, वो हमारा इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इसमें एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि किस एंगल पे जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पर गिर रही है, ठीक है। सेकंड है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, कि जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है उसका साइज क्या है, और एंड द सोर्स, और किस सोर्स से वो लाइट आ रही है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पास होगी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की तो बड़ी इमेज बनेगी, अगर दूर होगा तो वो छोटी इमेज बनती है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, तो स्क्रीन का मतलब क्या है, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन का होता है जहाँ पे शेडो बनती है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे भी हमारे जो है शेडो का शेप साइज और नेचर डिपेंड करता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट था ना हमारा, कि एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करता है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इफ यू ऑब्जर्व ए शेडो ऑफ ए ट्री ड्यूरिंग द डे, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। अगर आप एक ट्री है उसकी अगर आप शेडो को ऑब्जर्व करेंगे पूरे दिन में, तो आप देखेंगे कि जो लेंथ ऑफ शेडो है वो चेंज होती रहती है। द शेडो ऑफ ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शेडो होगी ट्री की वो तो जो दोपहर का टाइम होता है 12 बजे, वहाँ पे सबसे छोटी होगी, और मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। दिखाते हैं, इस डायग्राम में भी दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे कि ये ट्री है और जो मून है इस टाइम, मतलब जो सन है वो बिल्कुल इसके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, इसमें एंगल दूसरे एंगल से बन रहा है ना, तो एंगल पर डिपेंड करे, तो एंगल अगर इस टाइप का होगा तो इसमें क्या मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, शेडो ज़्यादा बड़ी बनती है, और इस टाइम क्या बनती है हमारे पास, नून के टाइम छोटी बनती है, ठीक है। द शेडो ऑफ ए ट्री शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। इसी वजह से जो पुराने लोग होते थे वो अपने दिन का पूरा समय का ज्ञात कर पाते थे, कि अगर अगर जो है
पेड़ की छाया उनको छोटी लगती थी तो वो सोचते थे कि अब 12 बज गए, ठीक है, इस हिसाब से वो टाइम का पता करते थे बच्चों। वी कैन सी ए शेडो ऑन ए वॉल और ग्राउंड और ऑन ए सरफेस विच वी कैन सर्व एज ए स्क्रीन। तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो हम शेडो है वो हम कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो दीवार भी हो सकती है, ग्राउंड भी हो सकता है, कोई सरफेस भी हो सकता है, उस जहाँ पर भी शेडो मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक क्या होते हैं, जो अपने में से लाइट को पास बिल्कुल भी नहीं होने देते, ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में ज़्यादा डार्क बनती है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, जो अपने में से थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देते हैं। अब लाइट पास होगी तो वहाँ पर थोड़ी रोशनी रहेगी, और ये बिल्कुल पास हो नहीं देगी तो मतलब क्या डार्क रहेगा, तो वहाँ पे ये जो ओपेक की जो इमेज होती है वो ज़्यादा डार्क होती है बच्चों। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ द लाइट टोटली वाइल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट टू पास थ्रो इट पार्शली। वही दोबारा से है कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को टोटली ब्लॉक कर देते हैं, जबकि ट्रांसलूसेंट क्या है उसको थोड़ा पार्शली या थोड़ा बहुत जाने देते हैं अपने में से। आगे है ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म्स एन शेडो एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो अपने मतलब उनकी कोई भी इमेज मुश्किल से ही बनती है, क्योंकि वो अपने में से लाइट को पूरी की पूरी पास होने देते हैं, वो किसी भी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसको रोकते नहीं है बच्चों। दस वी रिक्वायर एल्यूमिनियस सोर्स ऑब्जेक्ट एन ए स्क्रीन टू सी ए शेडो। तो इसने कहा है कि शेडो को बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एल्यूमिनियस सोर्स मतलब सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी हमें इमेज बनानी है, और एक स्क्रीन जहाँ पे हमें शेडो लेनी है। तो तीन चीज़ हमें चाहिए। नेक्स्ट है शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ ए कलरफुल ऑब्जेक्ट। अगर आप कलरफुल ऑब्जेक्ट की भी अगर शेडो देखेंगे वो भी क्या होती है बच्चों, डार्क ही होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये नहीं कि अगर पिंक कलर की कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हम शेडो लेते हो पिंक आएगी, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा डार्क ही आती है। थिंक करना अब आपको, इट टॉर्च इज स्टोन ऑन टू स्टार शेप कार्ड विच फॉर्म ए शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। तो टॉर्च इज शोन, तो टॉर्च अगर एक दिखाएगी एक स्टार शेप ऑब्जेक्ट को तो इसमें क्या होता है, एक शेडो बनती है स्क्रीन, ये स्क्रीन है ना हमारी जहाँ पे हमारी शेडो बनती है, तो एक शेडो बनती है स्क्रीन के ऊपर बिहाइंड द कार्ड, कार्ड के पीछे। वट विल हैपन टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड। क्या होगा अगर जो टॉर्च है उसको दूर ले जाया जाए कार्ड से, तो क्या होगा, शेडो जो है हमारी छोटी होती चली जाएगी, और जो शेडो है उसकी शेप और साइज में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो शेप तो शायद यही रहेगी, आप साइज चेंज होता चला जाएगा, साइज छोटा और बड़ा रहेगा, तो ये आप लिख रहे हैं साइज चेंज होगा, और बस ये है साइज चेंज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट की। नाउ राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेडो, व्हेन इज द शेडो फॉर्म, व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं क्या होते हैं व्हाट इज शेडो। फर्स्ट है शेडो इज एन एरिया ऑफ डार्कनेस, शेडो इज फॉर्म व्हेन पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो गिव मतलब ये था कि शेडो क्या होती है, शेडो एरिया डार्कनेस का, शेडो कब बनती है जब लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है ऑब्जेक्ट की हेल्प द्वारा, और शेडो क्या इन्फॉर्मेशन देती है, शेडो गिव्स अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शेडो हमें शेप के बारे में बताती है, किस टाइप की शेप है उसकी, और उसके साइज के बारे में भी थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन देती है, सम इन्फॉर्मेशन मतलब सम इन्फॉर्मेशन हमें देती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। क्या अगर कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो उससे शेडो पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा डार्क ही होती है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर, अगर वुडन चेयर पे लाइट फॉल होती है तो उस पर क्या आएगा हमारे पास आंसर इसका। वुडन चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इट विल ब्लॉक द लाइट एंड क्रिएट ए शेडो। जब जो वुडन चेयर है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब इस पर लाइट गिरेगी तो वो क्या करेगी, लाइट को ब्लॉक करेगी और एक शेडो क्रिएट कर देगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज शेडो ऑफ ए ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश एंड डैश। तो ये आंसर हमने देखा था, शेडो ऑफ ए ट्री इज डैश एट नून, तो नून पे क्या होती है बच्चों, शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट इन मॉर्निंग, यहाँ पे आप लिखेंगे मॉर्निंग, यहाँ पे लिखेंगे आप इवनिंग, तो मॉर्निंग morning, और यहाँ पे आप लिखेंगे इवनिंग evening, इवनिंग, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। शॉर्टेस्ट लिखेंगे पहले में फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आप मॉर्निंग और इवनिंग लिखेंगे, तो आप इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ
कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपको बताना, जैसे ये वाई क्या है, लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या ये ऑब्जेक्ट है, और शेडो यहाँ पे क्योंकि शेडो क्या डार्क है तो इट मीन्स क्या ये शेडो है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, वाई को आप लिखेंगे सोर्स ऑफ लाइट। दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, तो वाई क्या हो जाएगा हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जेड क्या है शेडो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये यह हमारे पास ये था ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया गया स्टार टाइप का, और यहाँ पे हमारे पास एक शेडो बनी है, हाथ था यहाँ पे, हाथ है, तो ये क्या हमारे पास, अभी दिखाती हूँ आपको, तो आप क्या लिखेंगे वाई को सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा हाथ जो दिखाई दे रहा है ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसकी जिसकी शेडो बनी है वो हमारे, ये क्या हमारे पास जेड क्या है शेडो है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार आप अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो समझ में आए तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।